Assalamu alaikum guys, welcome to our channel Misties. आज का प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. मेरे पास ये एक पुराना चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स है जिसको हम कंप्लीट मेकओवर करेंगे, पेंट करेंगे पहले, फिर डिकोपाज और फोटो ट्रांसफर करेंगे. इस स्कूल के लिए हम सुपर इमल्शन यूज कर रहे हैं जो कि वाटर सॉल्युबल पेंट है. ये आपने एक दफ़ा लगा के उसको कम्प्लीटली रेगमाल से जब आपने कर दिया तो सेकेंड दफ़ा टाइम दोबारा आप उसको एक कोट दे दें. उससे थोड़ी सी आपकी बेस लकड़ी है क्योंकि, तो वो थोड़ा सा आपकी पोरस मीडियम है वो कम हो जाएगा. तो जब आप टॉप कोट देंगी इसमें तो आपकी फिनिशिंग थोड़ी बेहतर आएगी. फाइनली 3 दिन और 3 कोट्स के बाद हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई है. इसको पहले वाटर बेस कोट दिया था, रेगमाल से अच्छी तरह रगड़ा था, फिर दोबारा वाटर बेस इसके ऊपर कोट दिया गया था, फिर फाइनली इस पर इमल्शन पेंट इसको किया था. कलर आपकी अपनी मर्जी है, आप जो भी दें. मुझे लाइट कलर चाहिए था इस वजह से कि उसके ऊपर जो भी मजीद हम करेंगे डिज़ाइनिंग वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो. फर्स्ट स्टेज में हम लोग फोटो ट्रांसफर से स्टार्ट करेंगे. आप लोगों ने लेज़र प्रिंट्स ले लेने हैं और एक बात का ख्याल रखें कि अगर उसमें कोई वर्ड्स या लेटरिंग है तो उसको आपने मिरर इमेज या इन्वर्स प्रिंट करवाना है. यह आपकी चॉइस है, आप ब्लैक एंड वाइट इमेज लेना चाहें या कलर लेना चाहें, दोनों इक्वली काम करते हैं, उसमें इशू नहीं है. मैं यहाँ पे लिक्विटिक्स का फोटो ट्रांसफर मीडियम इस्तेमाल करूँगी. आप किसी और कंपनी का जैसे मॉड पॉड या कोई और कंपनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. जहाँ जहाँ आपका इमेज है, वर्ड्स हैं या कोई भी तस्वीर है, आप वहाँ पे ग्लू लगा लीजिए. बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगाना, लेकिन ये बहुत इस बात का इंश्योर करना है कि जिधर भी आपकी इंक है वहाँ पे ग्लू ज़रूर लगे. आपने सरफेस क्लिप पे फेस डाउन प्लेस कर देना है. उसका जो प्रिंटेड साइड है वो नीचे की तरफ होगी, ग्लू जहाँ लगी हुई है. आपने अच्छे तरीके से कोई भी, ये मैं कार्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप स्केल या कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं. एयर बबल्स बेसिकली इसमें से निकालने हैं और ये इंश्योर करना है कि सरफेस का और जो आपका इमेज है ट्रांसफर वाला उसका कॉन्टेक्ट जो है बहुत क्लोजली मेंटेन. इमेज प्लेस कर रहे हों तो ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लू हर जगह लगाएं, वो एक कास्ट छोड़ जाती है. तो सिर्फ वो सरफेस एरिया जो आपको रिक्वायर्ड है, जहाँ इमेज है वहाँ ग्लू लगाइएगा. ये मैं चेस्ट ऑफ ड्रॉअर की साइड पे एक इमेज प्लेस कर रही हूँ और सिर्फ उतना ही मैंने पोर्शन लिया है जहाँ पे इमेज एक्चुअली आ रहा है, रादर देन कि उसकी साइड पे एक्स्ट्रा ग्लू लगानी पड़ जाए. फोटो ट्रांसफर में हमें इनको यहाँ पे चिपकाए हुए 24 आवर्स हो चुके हैं. टॉप आप देख सकते हैं, हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं पेपर को. ये सामने जो हमने प्लेस किया था अपना फोटो ट्रांसफर इमेज, उसको हम रिमूव करेंगे. आप इसमें स्पंज और पानी इस्तेमाल करें. स्पंज की प्लीज़ उसमें यहाँ पे जो आपसे आप देख रहे हैं मैं प्लेस कर रही हूँ, उसको पहले डैम्प कर लें और उसकी सॉफ्ट साइड इस्तेमाल करें. इसको आराम से करना है, आप ज़्यादा ज़ोर से स्क्रेप करेंगे तो नीचे से इमेज डैमेज होने का बहुत इसमें चांस होता है. आराम आराम से पेशेंटली पूरा डैम्प करके उसको रिमूव कर लीजिए पेपर. इसी ग्लू ने इसका इंक को एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है और सरफेस पे वो ट्रांसमिट हो गया हुआ है. स्टार्ट करेंगे. इस दफ़ा हम लोग टिश्यू पेपर्स इस्तेमाल करने के बजाय प्रिंट आउट इस्तेमाल करेंगे. प्रिंट आउट इस्तेमाल करने में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास इमेज आपकी मर्जी का आ जाता है. टिश्यू पेपर में तो ऑब्वियसली आपने वही यूज़ करना है जो अवेलेबल है. यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोरल्स, वट एवर यू मे लाइक, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं. लेंगे उसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं और हमें थोड़ा सा पतला चाहिए ताकि वो सर्फेस के साथ हमें बहुत ब्लेंडेड लुक दे. उसके लिए आसान तरीका ये है कि आप उसको डैम्प कर लें. और प्लीज़ डैम्प करें, बहुत ज़्यादा पानी ना लगाएं, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ही आ गया. बट स्टिल डैम्प करने के बाद आप उसके जो पीछे लेयर्स हैं वो आराम से एक एक करके वो लेयर उतार लें. अगेन थोड़ा सा टीडियस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट द एंड रिजल्ट विल बी वर्थ. डैम्प करने के बाद ये इमेज मैंने फाइनली सरफेस पे प्लेस कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. सेकेंड जो मोटिव है ये ओवरलैप कर रहा है, बीच में एक ड्रॉर ऑब्वियसली खुलना है तो वहाँ से आपको कट करना पड़ेगा. ज़्यादा नीट करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि पहले ही उस जगह को मार्क करके दो उसको पीसेस में पहले ही कट करके फिर प्लेस कर दें.
ज्यादा आपका उसमें टियर होने के लेटर ऑन चांसेस कम है। इसको मैंने अच्छी तरह से डैम्प कर लिया हुआ है और नीचे पहले सरफेस पे मैं ग्लू लगा चुकी हूँ और उसके ऊपर मैं इसको प्लेस कर रही हूँ। और अगेन मैं इसको सरफेस के साथ ब्लेंड करने के लिए इसकी एजेस को हल्का सा फ्रे थोड़ा सा कर रही हूँ। हमारा डीको 5 पोर्शन भी कंप्लीट हो गया हुआ है। करने के बाद एट टाइम्स आपके जो मोटिव्स हैं उसमें कोई कोहिजन या कनेक्शन कई दफ़ा नहीं होता, तो उसके लिए सबसे आसान हल ये है कि आप एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करें। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक्रेलिक पेंट्स ही यूज़ करें, ऑयल पेंट्स या किसी और किस्म के पेंट्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट मीडियम है, वो इतना स्टेबल नहीं है। आपने इसको एज ए डेकोरेटिव आइटम है बट ये इस्तेमाल भी होना है, तो सबसे बेहतर है कि आप इसमें एक्रेलिक पेंट्स यूज़ करें। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने डिकोपाज किया था इन दो जगहों पर और दरमियान में ये फ़ोटो ट्रांसफ़र था, बट हमने उसका आपस में जब कनेक्शन दिया ये वॉल का इफ़ेक्ट देने के लिए हम लोगों ने एक्रेलिक पेंट्स यूज़ किए हैं। यहाँ आप साइड पे कोई पेंट्स वगैरह, जिस तरह मैंने यहाँ पे वॉल को एक्सटेंड किया, वॉल को आपने एक्सटेंड करना है वो आप यूज करें। उसमें बेसिकली आपने कोहिजन देनी है। और लास्ट में इसको एंटीक तो लेने के लिए सिल्वर फॉइल का करेंगे। सिल्वर फॉइल करने का बहुत इजी तरीका है, आप वार्निश लगा के सरफेस पे उसके ऊपर अपना जो भी सिल्वर या गोल्ड लीफ आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो प्लेस करते हैं। हमारे ड्रेसर की फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, इस पे हमने चार टेक्निक्स इस्तेमाल की थी। सबसे पहले इसको पेंट किया गया था, सेकेंडली ये फ़ोटो ट्रांसफ़र के ज़रिए किया गया है, कंप्यूटर प्रिंट आउट्स लेके ये हमने इसको डिकोपाच किया है, एंड फाइनली ये आप देख सकते हैं ये सिल्वर फॉइलिंग की गई है इसको एंटीक लुक देने के लिए। ये पोर्शन कंप्लीटली फोटो ट्रांसफर से किया गया है। I hope you try something like this, and if you do, please do share the results with us as well. Allah Hafiz, have a nice day.